जहां भी इंडिया में कुछ होता है बीजेपी का एक पॉलिटिक्स होता है कि पॉपुलर फ्रंट का नाम लाए, हर जगह हमारा नाम लाया जाता है, लेकिन आज तक कुछ प्रूव नहीं हुआ और होने वाला भी नहीं है। तो हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि आप इस तरीके से ईडी हमारे पीछे छोड़ेंगे तो हम हमारा काम बंद कर देंगे। ईडी को मुखालिफत करने वाले, डेमोक्रेटिकली ईडी के खिलाफ एजिटेट करने वाली पहली तंजीम पॉपुलर फ्रंट थी। दो तीन महीनों से या एक सालों से ये बुलडोजर, ये केसेस लाकर ये गवर्नमेंट सिर्फ एक कोशिश कर रही है कि मुसलमान डर जाए। लेकिन आप देखिए, इसके बावजूद भी आप देखते हैं पूरे इंडिया के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट में मुसलमान क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि मुसलमान डरे नहीं है। तो असल में खौफ मुस्लिम नौजवानों का ही है और ऐसे मुसलमानों का है जो अपने हक के लिए बात करते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो बुलडोजर टेक्निक है, ये केसेस है, ये केसेस सिर्फ इसीलिए लाते हैं ताकि मुसलमान नौजवान जो है वो आगे ना आए। एक बच्चा शहीद हुआ, उसकी माँ का आपने स्टेटमेंट देखा होगा, जो माँ कह रही है कि मेरा बच्चा शहीद हुआ है और बहुत फख्र है। तो आप और खौफ क्या दे सकते हैं? यानी जो आप खौफ देना चाहते हैं उसका अपोजिट हो रहा है। या जो आफरीन के साथ हुआ, उसके घर के साथ हुआ, असल में पूरे कम्युनिटी को उसके साथ रुकना है, क्योंकि वो बच्ची जो है वो CA NRC के वक्त से अगर आप देखेंगे मुस्लिम कम्युनिटी की वॉइस बनकर उभरी है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में भी वो एक बहुत पहचानी हुई शख्सियत है। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त जयपुर में मौजूद हूं करबला मैदान में। एक बार कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि लाखों की हुजूम यहां मौजूद था, जो आज अमन और इंसाफ का पैगाम यहां से दिया गया है, क्योंकि ये तस्वीर उन नफरत के मुंह पर तमाचा है जो लगातार देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और आज इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद जी मौजूद हैं। सर, जो आज पैगाम दिया गया है, जो हुजूम था, ये बताने की कोशिश की जा रही थी हुकूमत के जरिए कि मुसलमान डर गया, लाखों की तादाद में मुसलमान था, कैसे देख रहे हैं उन चीजों को? देखिए, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, आप ये पिछले दो तीन महीनों से या एक सालों से ये केसेस लाकर ये गवर्नमेंट सिर्फ एक कोशिश कर रही है कि मुसलमान डर जाए। लेकिन आप देखिए, इसके बावजूद भी आप देखते हैं पूरे इंडिया के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट में मुसलमान क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि मुसलमान डरे नहीं है। एक न्यूज ऐसा बनाया गया था कि यूपी के अंदर मुसलमान डर गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कल परसों वहां पर प्रोटेस्ट हुए, क्या बेहतरीन तरीके से वहां पर लोग पीसफुल तरीके से बाहर आए? यानी ये जो एक पूरा लोग पॉलिटिक्स बना रहे हैं कि मुसलमान डर गए हैं ये बुलडोजर से, पूरा फेल हो गया है। तो और आज भी आप देखेंगे इस तरीके के जलसा, और मुझे लगता है सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी करेंगे, हर जगह इसी तरीके का एक माहौल आएगा कि मुसलमान डरे हुए नहीं है, अपने हक के लिए जब भी बात आती है वो आगे आएंगे। क्योंकि सर, जैसे कि तस्वीर देखने को मिली, उत्तर प्रदेश से सामने आई, रांची से सामने आई, जहाँ एक बच्चे को शहीद कर दिया जाता है, किस तरीके से देख रही है? अगर बच्चे सड़कों पर निकल रहे हैं, सहारनपुर में एक 18 साल के बच्चे को मास्टरमाइंड बना करके योगी सरकार ने पेश कर दिया कि ये दंगे का असली मास्टरमाइंड है, बच्चों को पीटते हुए की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बकायदा वीडियो डाले जा रहे हैं, क्या स्टेप होने वाला है और क्या कदम मुसलमानों को उठाना चाहिए ऐसे में? देखिए, इनको असल में खौफ मुस्लिम नौजवानों का ही है और ऐसे मुसलमानों का है जो अपने हक के लिए बात करते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो बुलडोजर टेक्निक है, ये केसेस हैं, ये केसेस सिर्फ इसीलिए लाते हैं ताकि मुसलमान नौजवान जो है वो आगे ना आए। और ये जो मास्टरमाइंड का एक माहौल बनाया जा रहा है, उनको टारगेट करके एक एक करके उनके घरों को डिमोलिश किया जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये चीज़ फेल होते नजर आ रहा है। अगर आपको लगे, बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि CA NRC के बाद लॉकडाउन के वक्त जिस तरीके से मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने टारगेट किया, उसके बाद कोई भी सामने नहीं आएगा, लेकिन आज हम देखते हैं सब लोग सामने आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इनका जो ये टारगेटिंग पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स कामयाब नहीं हो रहा है, ये जो चाहते हैं उसका अपोजिट हो रहा है। आज हम देखते हैं एक बच्चा शहीद हुआ, उसकी माँ का आपने स्टेटमेंट देखा होगा, जो माँ कह रही है कि मेरा बच्चा शहीद हुआ है और बहुत फख्र है। तो आप और खौफ क्या दे सकते हैं? यानी जो आप खौफ देना चाहते हैं उसका अपोजिट हो रहा है। और यही हम कहना चाहते हैं कि देखिए, कम्युनिटी को आप ज़्यादा सप्रेस करेंगे, कम्युनिटी के अंदर करेज और आएगा। क्योंकि सर, जो तस्वीर आज उत्तर प्रदेश से सामने आई, आफरीन फातिमा की तस्वीर जो सामने आई, सोशल मीडिया पर शुरू से ट्रेंड चल रहा था आफरीन फातिमा, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उनके वालिद जो हैं SDPI से जुड़े हुए हैं, मेन मास्टरमाइंड प्रयागराज में बता दिए गए, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि लखनऊ में तमाम जगह पर जब भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जहां भी ये लोग जा रहे हैं, यहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को खंगालने की कोशिश की जाती है, कैसे
कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? पहला देखिए, आज जो आफरी इनके साथ हुआ, उसके घर के साथ हुआ, असल में पूरे कम्युनिटी को उसके साथ रुकना है, क्योंकि वो बच्ची जो है वो CA NRC के वक्त से अगर आप देखेंगे मुस्लिम कम्युनिटी की वॉइस बनकर उभरी है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में भी वो एक बहुत पहचानी हुई शख्सियत है। अब उसको टारगेट करने के लिए और आफरीन के घर को तोड़कर पूरे मुसलमानों के अंदर जो इस तरीके का न्यू ब्रीड ऑफ लीडरशिप आया है, उसको एक मैसेज देना ये लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग इस तरीके की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे तो आपका भी घर डिमोलिश किया जाएगा। तो यहाँ पर कम्युनिटी को ज़रूरत है, सारे तंजीमों को ज़रूरत है कि आफरीन और उसके जैसे सारे ऐसे जो एक्टिविस्ट उनके साथ रुके, और पॉपुलर फ्रंट उसके साथ है, पॉपुलर फ्रंट पूरा हम उनके तायद करते हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे पॉपुलर फ्रंट का नाम जो केसेस में आता, नया नहीं है, हम हमेशा कहते हैं जहाँ भी इंडिया में कुछ होता है बीजेपी का एक पॉलिटिक्स होता है कि पॉपुलर फ्रंट का नाम लाए, हर जगह हमारा नाम लाया जाता है, लेकिन आज तक कुछ प्रूव नहीं हुआ और होने वाला भी नहीं है। क्योंकि सर इससे पहले ईडी की जो भूमिका रही थी, ईडी की जो भूमिका रही, तमाम आरोप लगाए गए, पूरे मुल्क भर में प्रोटेस्ट हुआ, और कानपुर में जब ईडी के लेकर के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग भी निकले हुए थे, उसे अलग एंगल से दिखा दिया गया कि कानपुर के मास्टरमाइंड जो हैं वो PFI वाले हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हालांकि हर कोई जानता है यूपी में पॉपुलर फ्रंट नहीं है, सिर्फ एक एडॉक कमेटी है। आप जानते होंगे CA NRC के वक्त भी ऐसा ही कहा गया था कि यूपी के अंदर पॉपुलर फ्रंट है। हमने कहा हमारे सिर्फ 9 मेंबर हैं जो हमारे एडॉक कमेटी के मेंबर हैं, वो भी कानपुर में नहीं है। इस बार भी ऐसा ही किया गया, एक इशू क्रिएट करने के लिए कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं खरौली में भी कहा पॉपुलर फ्रंट का लिंक है, लेकिन हाल ही में वहाँ के SP ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट इन्वॉल्व नहीं है। आपने देखा उसके बाद खरगोन में भी कहा कि PFI इन्वॉल्व है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ साबित नहीं हुआ। हर जगह इल्ज़ाम लगते रहते हैं लेकिन कहीं पर भी कुछ साबित नहीं होता है, वैसा ही इस बार भी होने वाला है। ये एक सेंसेशनलाइज किया जा रहा है। ईडी का भी अगर आप देखेंगे, ईडी का एक ये आया है कि पॉपुलर फ्रंट के बैंक अकाउंट्स को सीज करो, जिनका सीज करना है उनका नहीं कर रहे हैं। जैसे केरला में बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है, करोड़ों का हवाला उसने किया है, उसके पास ईडी नहीं आती। यानी क्या है, ईडी कुछ नहीं, गवर्नमेंट का एक टूल हो गया है, उसे गवर्नमेंट एक डायरेक्शन देती है, इन्हें टारगेट करो, उन्हें टारगेट करो। अब डायरेक्शन दिया गया है पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि आप इस तरीके से ईडी हमारे पीछे छोड़ेंगे तो हम हमारा काम बंद कर देंगे। ईडी को मुखालिफत करने वाले, डेमोक्रेटिकली ईडी के खिलाफ एजिटेट करने वाली पहली तंजीम पॉपुलर फ्रंट थी। आज आप देखते हैं कांग्रेस भी, जो हम कर रहे थे आज कांग्रेस भी कर रहा है, दूसरे पार्टी भी कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये जो ईडी टैक्टिक्स से आप किसी पॉलिटिशियन को डराएंगे, पॉपुलर फ्रंट को नहीं डरा सकते। क्योंकि नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है, मुल्क भर से आवाज़ उठी, ये तस्वीरें बाहर गईं, खाड़ी देशों से प्रेशर बना, तो 10 दिन बाद हुकूमत को ख्याल आया कि निष्कासित किया जाना चाहिए। जिस शख्स की वजह से देश में बवाल उड़ रहा है उसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, पर मुस्लिम नौजवानों को जेल की सलाखों के पीछे डर रहा। देखिए यही बात तो है, जब मुसलमान कह रहे थे नुपुर शर्मा को सज़ा दो, किसी ने सज़ा नहीं दिया, लेकिन जब अरब कंट्रीज बता रहे हैं तब वो सज़ा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आज भी गवर्नमेंट ने नुपुर शर्मा पर लीगल एक्शन नहीं लिया है, पॉलिटिकल एक्शन लिया है। हम कहते हैं कि लीगल एक्शन, पॉलिटिकल एक्शन काफ़ी नहीं है, लीगल एक्शन है। तो जब तक लीगल एक्शन नहीं होगा इसी तरीके के प्रॉब्लम्स होते रहेंगे, तो गवर्नमेंट को इमीडिएटली मुस्लिम सेंटीमेंट्स को समझकर लीगल एक्शन लेना ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल सर लेना चाहूँगा, क्योंकि तस्वीर सामने सहारनपुर से आई कि कुछ 50 से 60 लोग जो हैं शराब पी करके घुसे और फिर माहौल बिगड़ जाता है, काला कुर्ता पजामा नीली टोपी पहन करके आए थे, किस तरीके से देख रहे हैं जो आवाम लगातार सड़कों पर निकल रही है नबी की शान की गुस्ताखी के लिए, क्या कदम उठाने की सख्त जरूरत है? देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे दंगों में हमने यहाँ देखा है कि RSS इन्फिल्ट्रेट करता है, ये एक बहुत बड़ा सीरियस चीज़ है। हमने कर्नाटक में भी देखा है, हर जगह देखा है, जब मुसलमानों के प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ पर RSS के लोग इन्फिल्ट्रेट करके पत्थरबाजी करते हैं। रांची में भी ऐसा ही हुआ करके एक न्यूज़ है। तो मुसलमानों को भी चाहिए कि इस तरीके के जो भी प्रोटेस्ट आप करें वो प्रोटेस्ट को वेल मैनेज करें, ज़बरदस्त वॉलंटियर सिस्टम लाए, ताकि इस तरीके के जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स प्रोटेस्ट के अंदर घुस कर पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंट करने की कोशिश करें, उनको तब आइडेंटिफाई करके पुलिस के हवाले किया जाए। तो ये एहतियात भी आगे से रखना ज़रूरी है।